आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वीएचपी ने काफिले का घेराव कर काला झंडा दिखाया है। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स ने बमुश्किल काफिले को आगे किया है। आपको बता दें कि बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। करण चौराहे के पास वीएचपी ने विरोध किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। आपको बता दें कि बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। करण चौराहे के पास वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनको काला कपड़ा दिखाया गया है। काला कपड़ा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को काला कपड़ा दिखाकर विरोध किया गया है। करण चौराहे के पास वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया गया है। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध का सामना करना पड़ा। ये काला कपड़ा दिखाया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध यहाँ पर लोगों ने किया है। करण चौराहे के पास वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ काला कपड़ा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का उन पर आरोप है, जिसके चलते वीएचपी ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। करण चौराहे के पास वीएचपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है। काला कपड़ा दिखाकर भारी संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। जिस तरीके से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उनको शांत कराया, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। और मौज़म हमारे सहयोगी कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मौज़म, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जिस तरीके से देखा जाए तो आज की जो घटना है कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी देखिए, करणपुर चौराहे के पास का मामला है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, बीएचपी ने काफिलों को रोकने का प्रयास किया और उसके बाद काला झंडा दिखाया। बड़े मुश्किलों से बाद पुलिस ने उनको आगे बढ़ाया। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं, हिंदुओं की आस्था पर चोट करते रहते हैं। शायद उसी का नतीजा है कि बीएचपी को ये कदम उठाना पड़ गया, उनका विरोध करना पड़ गया। जी, रामचरित मानस वो देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर किसाना बराबर के साथ रहे, उसी को लेकर इनको आक्रोश था और आज काफले पर इन लोगों ने रुकने की कोशिश किया, काला झंडा दिखाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का नजारा बड़ा ही मनमोहक है।